सभी अधिकारियों को और सभी लोगों को करने का निर्देश है बैंक के लिए, जब सभी लोग निकले हुए हैं इसी क्रम में मेरे द्वारा भी चेकिंग की जाती है। खासतौर से जो मुख्य बिंदु है यहाँ पर पुलिस करना गार्ड की क्या लोकेशन है, जैन लगी है कि लगी है, सीसीटीवी का क्या फुटेज है, हमारा बैंक चेकिंग रजिस्टर वहाँ पर बना है कि नहीं, पुलिस कर्मी आके चेक कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनको बिल्डिंग है, आस पास के लोग खड़े हुए हैं, किस कारण से खड़े हुए हैं, अलार्म सिस्टम वर्क कर रहा है कि, इसी संदर्भ में सबको निर्देशन किया गया। साथ साथ कैश में जो है उनकी भी चेकिंग के लिए निर्देशन पर निरंतर रूप से अभियान के रूप में चलाया जा सकता है। तो ये बैंक सर कितने बैंकों को अभी तक चेक कर चुके हैं? पूरे जिले के अंदर ये चेकिंग हर चौकी चार सभी लोग चेक कर रहे हैं। अभी कोतवाली और गोविंद नगर के बाद बाकी जगह भी चेक किया जाए। क्या किसी बैंक में कोई संदिग्ध व्यक्ति या कुछ ऐसा पाया नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन हाँ जनरल रूप से हम लोग की रिक्वेस्ट होती है बैंक से कि जो उनकी अलार्म सिस्टम है उसको प्रॉपर रखें, जो सीसीटीवी है उसका स्टोरेज का है, उसका डबल स्टोरेज है कि नहीं, वहाँ पे गार्ड मौजूद है कि नहीं, गार्ड को क्या क्या ब्रीफिंग है, चेन लगी है कि नहीं, सीसीटीवी वर्किंग कंडीशन है कि सीसीटीवी का फोकस किस तरह है, ये उनसे अपेक्षा रहती है। बाकी पुलिस जो अपनी चेकिंग करती है